ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काउडाइक्यूनस सिंड्रोम के विषय में कि दोस्तों काउडाइक्यूनस सिंड्रोम क्या होता है, इसके कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं जिससे पता चलता है, कौन सा फिजिकल टेस्ट होता है और कौन से नॉर्मल डायग्नोसिस टेस्ट होता है जिससे हमें पता चले कि काउडाइक्यूनस सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो रही है, इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, कब सर्जरी इसमें हो जानी चाहिए और दूसरी चीज़ की क्या प्रिकॉशन ले जिससे कि काउडाइक्यूनस सिंड्रोम को रोका जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले काउडाइक्यूनस सिंड्रोम के विषय में जानने से पहले ये जरूरी है कि काउडाइक्यूना क्या होता है इसके विषय में जाने। तो दोस्तों, जो हमारा स्पाइन होती है, स्पाइन की जो स्पाइनल नर्व होता है वो हर जगह से निकलती है स्पाइन के हर एरिया से, लेकिन यदि मैं ओवरऑल बात करूं कि स्पाइनल कार्ड हमारा जो होता है वो L1 के आसपास आके ख़त्म हो जाता है। तो L1 के बाद की जो हमारी स्पाइनल नसें हैं वो जितने नर्व होते हैं ना वो एक गुच्छे के रूप में नीचे की तरफ आ रहे होते हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो ये जो एक साथ गुच्छे की तरह आते हैं ना, ये देखने में घोड़े की पूंछ की जैसी दिखती है, तो इसी पे इसका नाम काउडाइक्यूना रखा गया है। तो बेसिकली यदि इसमें किसी भी वजह से कंप्रेशन हो जाए, किसी भी वजह से इसमें दबाव आने लगे तो उसको हम लोग काउडाइक्यूना सिंड्रोम बोलते हैं। और ज़्यादा दबाव आने लगे जिससे कि, यदि मैं ओवरऑल सिम्टम की बात करूं, जिससे कि हमारे पैरों में सुन्नपन होने लगे, जहां हम लोग बैठते हैं तो जो एरिया टच होता है फ्लोर पे, पेल्विक फ्लोर के एरिया में सैंडल सेंसेशन कम होने लगे, यदि मैं बोलूं कि हमारे पैरों में पंजे पे चलने की कैपेसिटी कम हो जाए, एड़ी पे चलने की कैपेसिटी कम होने लगे, पैरों में कमजोरी लगने लगे और यदि यूरिन का रिटेंशन होने लगे और यूरिन पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता है, या एनल एरिया में, जैसे यदि मैं बोलूं कि लेटिन पास करने का जो एरिया होता है वहाँ कंट्रोल कम होने लगे, तो ये काउडाइक्यूना के सिंड्रोम में ये देखने को मिलता है। काउडाइक्यूना की यदि मैं बात करूं तो काउडाइक्यूना में जो नर्व जा रही है, बेसिकली इनका काम क्या है, तो हमारा काम जो है ना सेंसरी सेंसेशन हमारे पैरों से, हमारे पेल्विक फ्लोर मसल से ऊपर की तरफ ले जाना और मोटर फंक्शन यानी नीचे के फंक्शन को डेवलप करना यानी कि एक्शन कराना। तो बेसिकली जो हमारा नर्व का काम है सेंसेशन ले जाना और एक्शन को परफॉर्म करना। तो दोस्तों, जो काउडाइक्यूना सिंड्रोम होता है उसमें हमारी जो नसों के गुच्छे आ रहे हैं वो कंप्रेस कर जाती है, जिससे हमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसमें चूंकि हमारी नर्व पैरों में जा रही है तो इसमें टिंगलिंग सेंसेशन, पिन प्रिकल टाइप का जो है ना बर्निंग सेंसेशन, कभी कभी तो सेंसेशन बिल्कुल अब्सेंट भी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें पेन का सेंसेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो साइटिक नर्व है, जो हमारी सबसे मेन नर्व है जो जा रही है पैरों को, तो साइटिक नर्व में कंप्रेशन की वजह से कभी कभी पैरों में दर्द भी देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि मैं इसके कारण की बात करूं तो ज्यादातर जो कॉमन देखने को मिलता है वो हमारा हर्निएटेड डिस्क हो गया, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो गया, या फिर इंजरी हो गई, जैसे गन शॉट इंजरी हो गई या कहीं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में चोट लग गई और हमारे काउडाइक्यूना पे कंप्रेशन आ गया। तो बेसिकली कोई भी रीजन है जिसकी वजह से कंप्रेशन आता है तो काउडाइक्यूना सिंड्रोम होती है। इसमें जो कॉमनली देखने को मिलता है, कुछ बर्थ के समय कुछ ऐसे डेफिसिट हैं कि कुछ प्रॉपर नहीं बना है, उसकी वजह से भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत रेयर देखने को मिलता है। AVM स्पाइन देखने को मिलती है दोस्तों, ये भी एक कॉज है। इसके अलावा स्पाइनल ट्यूमर हो गया, यदि स्पाइन में इन्फेक्शन है उस एरिया में उसकी वजह से हो सकती है, या फिर स्पाइनल जब से सबड्यूरल हेमरेज हो गया उसकी वजह से कंप्रेशन हो गई, ट्यूमर हो गया, तो कई सारे रीज़न देखने को मिलते हैं जिससे कि काउडाइक्यूना सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सडन सिम्टम आते हैं तो कभी कभी पेशेंट हम लोगों को भी कॉल करते हैं कि डॉक्टर ऐसा है, इसमें क्या किया जाए। दोस्तों, ये इमरजेंसी कॉल होती है। इसमें स्पाइन का सबसे रिलायबल टेस्ट यदि मैं बोलूँ तो स्पाइन की MRI होती है, जिससे कि कॉज पता चल जाता है कि किस वजह से हो रहा है ये, क्योंकि कई बार डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बन के आती है दोस्तों। कई और भी डिजीजेज हैं जिसमें इस तरह के सिम्टम देखने को मिलता है, तो ये कन्फर्म करना जरूरी होता है कि ये काउडाइक्यूना ही है, या जैसे ट्रांसवर्स मेलाइटिस है उसमें भी पैरों में सडन पावर कम होने लगता है, वीकनेस लगने लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कन्फर्म करने के लिए MRI हमारा जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिससे कि हमें पता चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन का बहुत बढ़िया रोल है। ऐसे पेशेंट आता है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे चल रहा है, कैसे खड़ा हो रहा है, ये पता चलता है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू मसल टेस्टिंग करते हैं, जैसे खड़ा करा के पंजे पे चलना हो गया, खड़ा करा के एड़ी पे चलना हो गया,
बैठ के खड़ा होने में मसल पावर कैसी है, तो इससे हम मसल पावर चेक करते हैं। इसके अलावा पिन प्रिकल टेस्ट और सेंसरी पता करते हैं कि हमारे एरिया में सेंसेशन कैसा है। तो ये कई सारे फिजिकल टेस्ट से हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हम लोग यूरिन रिटेंशन को चेक करते हैं कि यूरिन रिटेन तो नहीं हो रहा है, यूरिन का कंट्रोल कैसा है। इसके अलावा टॉयलेट जो करते हैं तो एनल स्फिंक्टर का पावर कैसा है, कंट्रोल कैसा है। तो ये सब चीज़ों के बिहेव पे डिसीजन लिया जाता है कि ये काउडाई क्यूनस सिंड्रोम है। अब बात आती है दोस्तों कि काउडाई क्यूनस सिंड्रोम को कैसे डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों ये एक्यूट और क्रॉनिक की तरह हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई पेशेंट आया और ये सिम्टम दिख रहा है तो तुरंत हम पैनिक नहीं होते, पूछते हैं कि ये कब से है। तो बेसिकली जो एक्यूट कंडीशन और क्रॉनिक कंडीशन के विषय में हम लोग बात कर सकते हैं। तो एक्यूट में दोस्तों इमीडिएट सर्जरी नीडेड होती है और अच्छा टाइम होता है। यदि पेशेंट को 24 घंटे के अंदर सर्जरी मिल जाए या 24 से 48 घंटे के अंदर सर्जरी करा ले तो ये सबसे बेस्ट है, इसमें अच्छा रिकवरी देखने को मिलता है। दूसरी बात यदि मैं बात करूं कि जो काउडाई क्यूनस सिंड्रोम है, जब आदमी बोलता है तो एक तो एक्यूट और क्रॉनिक देखते हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन की यदि मैं बात करूं तो इसमें इनकम्प्लीट और कम्प्लीट देखते हैं कि जो कंप्रेशन था वो कितना ज़्यादा था, हमारा काउडाई क्यूनस कितना कंप्रेस था, कम्प्लीट था या इनकम्प्लीट था, तो उसके बिहेव पे हम लोग बात करते हैं। अब बात आती है दोस्तों ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में इमीडिएट जैसे मैंने बताया कि इमरजेंसी सर्जरी होती है, जो कि सर्जरी बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो डीकम्प्रेस किया जा सके। दोस्तों डीकम्प्रेशन के बाद फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि वहीं से रिहैब शुरू होता है। और फिजियोथेरेपी का हमारा जो पैरों का पावर लाना, स्ट्रेंथ पे काम करना, रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखना, ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करना, पेशेंट को फिर से उसकी रोज़मर्रे की ज़िंदगी में लाने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम रोल होता है। अब बात करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो प्रिकॉशन ले जिससे कि काउडाई क्यूनस सिंड्रोम ना हो। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि हर्निएटेड डिस्क जो है वो मेन कारण देखने को मिलती है, तो हमें अपने सामान उठाना, ज़्यादातर क्या होता है ना कि झुकने पे या सामान उठाने वाले कंडीशन में ही सबसे ज़्यादा हर्निएटेड डिस्क देखने को मिलती है। तो कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है कि अपना पोस्चर का ध्यान रखना है जब आप सामान उठा रहे हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी मसल की हेल्थ अच्छी रहे। एब्डोमिनल मसल की स्ट्रेंथनिंग करिए, कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग करिए, पोस्चर अच्छा मेंटेन करिए। इसके अलावा दोस्तों अपने रूटीन के वर्किंग में, यदि आपकी ट्रेवलिंग है तो बहुत केयरफुली जो हमारे ब्रेकर्स होते हैं उस पर धीरे धीरे पार करिए, जर्क मत लगने दीजिए। इसके अलावा यदि मैं बात करूं ओवरऑल, तो अपने लाइफ स्टाइल में जब भी आप लॉन्ग सिटिंग ले रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा पोस्चर अपना चेंज करते रहिए। बैठते वक्त अपनी चेयर का सिलेक्शन अच्छा करिए। बाथरूम में नहाते वक्त और वॉकिंग पे जाते वक्त हमेशा अच्छा शूज और स्लीपर का यूज करें जिससे कि स्लिप होने का चांसेस कम हो। तो दोस्तों इन सब प्रिकॉशन से हम लोग काफ़ी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके बचा सकते हैं। दोस्तों कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।